स्टूडेंट वेलकम माई चैनल टूडे आई विल डिस्कस अबाउट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक प्लेस ऑफ मदर इन द सोसाइटी इन वन हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्स तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी टॉपिक पर यह आर्टिकल आपका आता है uh, एड से इंटर तक के बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें इसी टॉपिक में आपका आर्टिकल जो है चेंज करके आ सकता है प्लेस ऑफ़ वुमेन इन द सोसाइटी या प्लेस ऑफ़ मदर इन सोसाइटी ऐसे करके कोई भी टॉपिक आ सकता है तो हम स्टार्ट करते हैं वुमेन वुमेन इज आ गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑन अर्थ इज़ अ सिंबल ऑफ डब्ल्यू से विजडम ओ से ओरिजिन एम से मदरहुड ई e से एनर्जी एंड एन से नेक्टर तो वुमेन जो है यानी कि वुमेन जो औरत है वो गॉड की भगवान की बहुत मोस्ट मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर क्रिएशन मतलब रचना है ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर इस सैम्बल ये जो सेम्बल है सेम्बल मीस प्रतीक है किसका ऑफ डब्लू से विजडम ओ से ओरिजन विजडम मतलब बुद्धि ज्ञान ओरिजन मतलब उत्पत्ति एम मतलब मदरहुड मातृत्व का ई से एनर्जी ऊर्जा एंड एन से नेक्टर नेक्टर मिस अमृत या प्यूस या कह लीजिए सुधा तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्वालिटीज इज़ द राइजिंग सम ऑफ एवरी नेशन जो कॉम्बिनेशन है इस सब क्वालिटी का विजडम है ऑरिजिन है मदरहुड है एनर्जी है एंड नेक्टर है तो ये कॉम्बिनेशन है ऑफ़ दीज क्वाल्टीज ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं इनका कॉम्बिनेशन है कौन मदर मदर जो आपकी है इन सब क्वालिटीज़ का कम्बिने कॉम्बिनेशन है और एवरी नेशन एवरी नेशन मतलब प्रत्येक राष्ट्र में आपका ये इन सॉल्ट इन मतलब संचित में या कम शब्दों में हम कह सकते हैं एवरी थिंग गुड इन दिस वर्ल्ड कम्स फ्रॉम वूमेन जो है शॉर्ट फॉर्म में या संक्षिप्त में हम कह सकते हैं एवरीथिंग प्रत्येक जो अच्छी चीज़ है गुड मतलब अच्छी चीज़ इन दिस वर्ल्ड इस संसार में कम्स मतलब आती हैं फ्रॉम मतलब फ्रॉम से वुमेन से यानी कि औरत से जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं प्रत्येक अच्छी चीज़ें जो हैं वो संसार में किससे आती हैं औरत से आती हैं वाइन अ वुमेन प्लेज ऑलमोस्ट एवरी रोल विद परफेक्शन इट इज़ द रोल ऑफ अ वोमेन विच इज़ मोस्ट रिवर्डेड ठीक है तो जो वोमेन uh, है जबकि जो वोमेन है के आलमोस्ट एवरी रोल जो है परफेक्शन के साथ जो है पूर्ण करती है पूर्णता के साथ अपना जितना भी उसका वर्क होता है वो रोल जो है उसका उसमें पूरी तरह से पूर्णता रहती है और ये रोल जो है बहुत ही मोस्ट uh, रिवर्डिड है ठीक है any dictionary does not have words enough to define mother. Any dictionary मतलब कोई भी ऐसी dictionary नहीं है जि does not have words जिसमें enough मतलब इतनी पर्याप्त जो है कोई भी to define mother mother को define करने की mother को परिभाषित करने की कोई भी ऐसी dictionary नहीं है जिसमें उसको uh, define करने के लिए पर्याप्त enough मतलब पर्याप्त शब्द हों इनफैक्ट वा सी इज़ द मोस्ट प्रीशियस क्रीचर्स इन द वर्ल्ड है ना वास्तव में वो बहुत ही प्रीसीियस प्रीसीियस मतलब बहुत ही कीमती कीमती जो है क्रीचर मतलब प्राणी है इन द वर्ल्ड संसार की सबसे अच्छा क्रिएशन है क्रीचर है और मोस्ट प्रीसीियस मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती है ना सी इज़ अ नेक्स्ट टू गॉड वो आ, भगवान के बाद वो है सी इज़ नेक्स्ट टू गॉड भगवान uh, अगर भगवान के बाद uh, कोई आता है तो वो मदर है आपकी सी इज़ अ क्रिएटर आ प्रोटेक्टर एंड अ प्रोवाइडर आ पावर ऑफ टॉलरेंस एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ लव तो जो मदर है जो लेडी है वो क्रिएटर है और प्रोटेक्टर है एंड प्रोवाइडर है क्रिएटर यानी कि रचना रचना करने वाली है प्रोटेक्टर मतलब आपको सुरक्षा देने वाली है और प्रोवाइडर और आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हैं ए पावर ऑफ़ टॉलरेंस एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड इपिटोम ऑफ इंटरग्रिटी तो अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्रीफाइस एंड सो मैनी अदर क्वालिटीज़ रैप्ड इन वन तो सभी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आपको मिलती हैं बहुत सारी क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग की समझने की अफेक्शन की प्रेम की तो ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर आपको मिलती है सी ऑलवेज हैज़ इनफ इन्थ्यूसिज टू कैरी आउट हर ड्यूटीज़ टू टेक केयर ऑफ़ हर हर चिल्ड्रेन एंड मेक स्कैरिफाइसेस फॉर देम तो जो मदर होती है वो अपने बच्चे का केयर करती है देखभाल करती है और उसको जो है सूरज सभी से सुरक्षित करने का तरीका सिखाती है ये सारी चीज़ें मदर करती हैं विदाउट हर प्रेजेंस सर्वाइवल ऑफ़ फैमिली एंड सोसाइटी इज़ अनइमेजनेबल जो विदाउट हर प्रेजेंस उसकी uh, उपस्थिति uh, के बिना विदाउट हर प्रेजेंस मतलब अगर उसकी उपस्थिति ना हो तो फैमिली को सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है एंड सोसाइटी को भी और उसके बिना समाज और फैमिली की कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है अकल्पनीय आकल्पनीय हैंज विदाउट अ प्लेस फॉर वॉर्शिप इन द होम पीस कैन नॉट बी फेल्ट द सेम वे विदाउट मदर होम डज़ नॉट सीम लाइक अ होम जिस प्रकार से बिना भगवान जैसे घर कोई भी घर है कोई भी प्लेस है वहाँ पे अगर पूजा नहीं होती है या भगवान की मूर्ति नहीं है तो पीस कैन नॉट बी फिल्ड तो वहाँ पे आपको पीस यानी कि शांति नहीं महसूस होगी द सेम वे विदाउट मदर इसी तरह से uh, सेम तरीके से अगर बिना मदर के जो अगर घर है होम है डज नॉट सीम लाइक अ होम तो वो आपको घर प्रतीत नहीं होता है इसको इस लाइन को फिर से मैं समझा देती हूँ तो जैसे कोई घर में आप जाते हैं तो वहाँ अगर भगवान नहीं है मंदिर नहीं है या वहाँ पूजा नहीं होती है तो पीस कैन नॉट बी फील तो वहाँ पे आपको शांति नहीं महसूस होगी उसी तरह से बिना मदर के किसी भी घर में अगर जाते हैं अगर कोई लेडीज़ नहीं है या वहाँ कोई मदर नहीं है तो होम डज़ नॉट सीम लाइक अ होम तो आपको घर जो है घर जैसा नहीं लगेगा सी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ़ द फैमिली वो परवाह करती है प्रत्येक और प्रत, आ, मतलब सभी का जो है केयर करती है और आ, प्रत्येक मेंबर का फैमिली में वो देखभाल करती केयर करती सी इज़ द ओनली पर्सन हु मेंटेन्स अ सिस्टम एंड डिसिप्लिन इन फैमिली वो सिर्फ एक मात्र पर्सन है जो घर के सिस्टम को डिसिप्लिन को परिवार में मेंटेन करती व्यवस्थित करती मैनेज करती है सी इज़ द मोस्ट हु मेक्स द फ्यूचर ऑफ आवर फैमिली एंड आवर सोसाइटी श्री जबन हु मातृवा एक है जो आपके uh, परिवार के फ्यूचर और सोसाइटी के फ्यूचर को बनाती है ठीक है तो ये था मदर प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी तो ये सारी इम्पोर्टेंस थी तो इस ऐसे को सुन के या इस आर्टिकल को सुनकर uh, जो है जेन्स लोग uh, जलन नहीं करेंगे उनकी भी इम्पोर्टेंस है उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे